नमस्कार, वक्त इंडिया पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजत वोहरा। सोशल मीडिया पर चर्चित सीआरपीएफ द्वारा महिला की मदद के पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम आपको वक्त इंडिया पर बताएंगे। अपनी ड्यूटी से एक कदम आगे बढ़कर कश्मीर के स्थानीय परिवार की मदद करने के लिए केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बल के एक जवान की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या था। एक 25 साल की महिला को बच्चे को जन्म देने के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस दौरान काफी मात्रा में उसका खून भी बह चुका था। इस दौरान 53वीं बटालियन के गोहेल शैलेश ने महिला की मदद करने का फैसला किया और उसके लिए रक्तदान किया। गुलशान के रहने वाले परिवार ने सीआरपीएफ मददगार से मदद करने की अपील की थी। आपको बता दें कि मददगार सीआरपीएफ की एक हेल्पलाइन है जो कश्मीरी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने पर मदद करने के लिए चलाई जाती है। इस हेल्पलाइन का प्रबंध सीआरपीएफ की ओर से किया जाता है। महिला को खून की कमी होने के बाद परिवार ने इसी हेल्पलाइन पर मदद मांगी थी। सीआरपीएफ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस घटना के बारे में एक पोस्ट भी शेयर किया गया था। एक फोटो के साथ सीआरपीएफ के ट्वीट में लिखा था, खून का रिश्ता। ट्विटर हैंडल पर कांस्टेबल और नवजात बच्चे का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा गया, उसने खून देकर एक मां बच्चे परिवार को बचा लिया और जीवन भर के लिए रिश्ता बना लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारी YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यही वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर रेगुलर अपडेट्स लेना ना भूलें। साथ ही हमारी ऐप भी आ चुकी है वक्त इंडिया के नाम से, और जाकर Google Play Store से जल्द जल्द डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के और जितने भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले पाने के लिए उसको डाउनलोड भी करें। धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए वक्त इंडिया। नमस्कार।